दिनांक 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2017 तक चल रहे कि राष्ट्रपिता की जयंती और पब्लिक को भी हम जोड़ नहीं पाए, स्कूली बच्चे और कुछ आप और हमारे अलावा आम जनता साथ नहीं जुड़ी, तो उनका जो सफाई का संदेश है उसको कैसे अंगीकृत करेंगे लोग? 2 अक्टूबर की इस महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी को बधाई देता हूँ और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि आज के इस उपलक्ष्य में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत शहर में लगभग 9 जोन करके वहाँ पे BSF के जवान, NGOs, आम आदमियों के सहयोग से और नगर परिषद के सहयोग से, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से सब जगह पे सफाई का अभियान चल रहा है और हम अपेक्षाएँ रखते हैं लोगों से और आग्रह भी करेंगे लोगों से कि जिस तरह से नगर परिषद और अन्य महकमे अपने अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छता एक सेवा के रूप में लेके अपनी जिम्मेदारी को समझ के सारे लोग इसमें शामिल हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आज एक दिन में सब लोग इकट्ठा होकर इतना अच्छा सफाई कर रहे हैं, लेकिन ये कंटिन्यूसली रहने के लिए लोगों को इस महाअभियान के साथ जुड़ना चाहिए। सर, बेबाकी से अगर पूछा जाए तो ठीक है, धन्यवाद। शहर में गंदगी बहुत ज़बरदस्त हालात है, इसीलिए सफाई अभियान चला रहे हैं और सकारात्मक चीज़ को देखेंगे तो सकारात्मकता नज़र आएगी। गंदगी अपने दिमाग से अपने को हटानी पड़ेगी तब जाके सारे लोग इसमें जुटेंगे। सर बाड़मेर में जो भामाशाह की तरफ से ये चौराहा आज पुनर्निर्माण हुआ है, क्या ऐसे जो भामाशाह है इनको इस तरीके से आगे आना चाहिए ताकि बाड़मेर और स्वच्छ और सुंदर दिखने को? बिल्कुल, आज अहिंसा सर्कल का तन सिंह जी द्वारा इसका पुनर्विकास किया गया है और इसका मेंटेनेंस भी किया जाएगा। इस तरह से हमने भामाशाहों की मीटिंग ली है और बहुत सारे लोग आगे आए हैं, उन्होंने जगह जगह की रोड हो चाहे सर्किल्स हो उसको गोद लेने का बात कहा है
और उस पर आगे कार्यवाही चल रही है और जल्द ही इस प्रकार की गतिविधियों में आम लोगों को, भामाशाहों को शामिल करके शहर के सौंदर्यकरण को बढ़ावा देने की प्रयास जरूर किए जाएंगे। लकड़ी पट्टी लाइए ना सपोर्ट के लिए, सपोर्ट लगाना है। Thank you.